A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. A very good morning guys. So today's topic is explanatory research. We have covered with descriptive, exploratory, causal relationship, case study, narrative, every type of research we have covered. So previous to लिस्ट है लेक्चर्स की लेसन्स की आप उसको गो थ्रू कीजिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कीजिए. टुडेज टॉपिक इज एक्सप्लेनेटरी राइट. चलिए एक्सप्लेन से आप समझ सकते हो एक्सप्लेनेटरी एंड इट इज़ अ वन ऑफ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. सो हेयर वी गो. यस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जिन लर्नर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियो. सो हेयर वी गो. यस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ मेथड है डेवलप करता है एक इन्वेस्टिगेशन को. एक इन्वेस्टिगेट करना है फिनोमिना को. कोई हैपन है कोई चीज़ है कोई घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करता है दैट हैड नॉट बीन स्टडीड बिफोर जो पहले नहीं की गई है एंड हैड नॉट बीन वेल एक्सप्लेन और अगर हुई है तो उसको वेल एक्सप्लेन नहीं किया गया है. Its main intention is to provide the details. The first keyword is detail. It provides detail, right? About where to find a small amount of information. With this method, researcher gets a general idea and uses the research as a tool. रिसर्च को एज अ टूल की तरह लिया जाता है ताकि हम क्विकर एक इशू को एक्सप्लेन कर सकें एक एड्रेस कर सकें. कोई घटना हुई है या तो वो इनकम्प्लीट हुई है उसकी स्टडी या ऐसी स्टडी है जो पहले नहीं हुई है उसको एड्रेस करने के लिए उसको डिटेलिंग देने के लिए राइट. इट्स मेन गोल होता है इट क्वेश्चंस व्हाई एंड व्हाट फिनोमिना राइट. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देता है व्हाई एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी. एक्सप्लेनेटरी इज अ वेरी जो है इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द वे ऑफ द इवेंट. वे आपको रास्ता दिखाता है वे ऑफ इवेंट कि वो घटना कैसे हुई है बाय एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करके आप जो है उसकी स्टडीज को सर्च करते हैं. इट्स रिजल्ट एंड कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूट द डीपेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज. इट प्रोवाइड्स यू द डीपेस्ट नॉलेज. मैं यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में भी रहे और आपको रिवीजन भी अच्छी हो जाए. नाउ अकॉर्डिंग टू फिडेलियस जी एराइस इन दिस सेंस एक्सप्लेनेटरी स्टडीज कैन डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज विच कॉज कारण यानी कि पोस्ट फैक्टो रिसर्च कि जो घटना हुई है उससे बाद में जो है पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या कारण रहा है और उसके क्या इफेक्ट्स जानते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. तो आपने देखा यहाँ कॉजेज और इफेक्ट यानी कि पोस्ट फैक्टो प्लस एक्सपेरिमेंटल दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे थ्रू ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू हेल्प द रिसर्चर्स स्टडी द प्रॉब्लम इन ग्रेटर डेप्थ. मैंने पीछे भी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होती है एक डेप्थ स्टडी होती है फिनोमिना की. द प्राइमरी यूज फॉर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय फाइंडिंग द ओवरलुक्ड डेटा. यहाँ पे सिचुएशन को ओवरलुक किया जाता है उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को सर्च किया जाता है दैट वी हैड नेवर इन्वेस्टिगेटेड बिफोर जो हमने पहले नहीं किया है. स्टडी की जाती है जिनको हमने नेवर इन्वेस्टिगेटेड बिफोर जो सिचुएशन पहले नहीं हुई है. एट द सेम टाइम इट माइट नॉट ब्रिंग आउट द कंक्लूसिव डेटा नहीं इट विल ओनली अलाउ टू इशू विथ मोर एफिशिएंसी. ये आपको कंक्लूजन नहीं देता है बस एफिशिएंसी दिखाता है राइट. इन कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोसेस इट इज़ नेसेसरी टू अडेप्ट to new findings and knowledge about the subject. Although it is impossible to obtain a conclusion, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ conclusion नहीं find होता है. It is just a general, a basic efficiency is a depth study. It is overlook the situation, right? Explanatory allow करता है researcher to become the familiar with the topic and design the theories to test them, right? उनको theory test करने के लिए use होता है. मूविंग ऑन एक्सप्लेनेटरी जो है इज़ अ प्राइमरी पर्पज इट्स टू एक्सप्लेन वाई दैट हैपेंड
राइट, इज टू एक्सप्लेन करने के लिए होता है व्हाई इवेंट्स अकर टू बिल्ड, क्यों वो घटना हुई है, या उसको इलैबोरेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, या उसको टेस्ट करने के लिए. बट यहाँ कॉन्क्लूजन नहीं होता है, कॉन्क्लूजन लैक होता है. एक्सप्लेनेटरी, नाम से ही पता लगाइए, अलाउ करता है रिसर्चर को टू टेस्ट स्पेसिफिक थ्योरीज को टेस्ट करने में एंड मेक अमेंड्स टू प्रीवियस थ्योरी. या कोई प्रीवियस थ्योरी है उसमें कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कोई पहलू है जिन्हें आपने इंक्लूड नहीं किया है या किसी और ने इंक्लूड नहीं किया है, तो जस्ट टू ऐड ऑन समथिंग यू कैन डू एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड, यस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड द एनालिटिकल स्टडी. जैसे तो जो स्टडी हो चुकी है उसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिटिकल कर रहे हो. अगर हम दूसरे शब्दों में कंपैरिजन करें विद दी एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, तो ये भी जान लेते हैं कि एक रिसर्चर कंडक्ट करता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को टू जनरेट द आइडियाज. यस, इट इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ अ कीवर्ड कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है टू जनरेट द आइडियाज ऑफ व्हाट. ये एग्जाम्पल है ऑफ व्हाट कैंपस क्राइम is identified as a based on interviewing the victims. Campus crime है, campus में crime हुआ है, उसमें वहाँ जो victims थे उनका interview लिया गया of the campus crime and evaluate किया गया कि what circumstances fall under the criteria that crime at the Georgetown में crime हुआ. तो उसका reason को explore किया गया, ideas को generate किया गया कि ऐसी क्या situation हुई थी जिसके कारण campus में crime हुआ. So we are exploring something. Right? Now, moving on to the descriptive research. Describe karna. Descriptive is conducted. Would look to the campus crime database in order to understand the statistics behind the crime. Isme humne ye jana ki jo campus mein crime hua hai. पीछे भी कभी हुआ है, लास्ट टाइम जो है कभी क्राइम हुआ है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है, क्यों, वेन, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ. आप समझ रहे हो. सो दे वुड देन डिफाइन करता है मोस्ट कॉमन प्रोफाइल ऑफ द कैंपस क्राइम, कि ये आपके जो कैंपस में क्राइम है उसका एक कॉमन प्रोफाइल आपको देगा. बट यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाता है कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई सिचुएशन अराइज. ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन समझ जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. जैसे कि मैंने कहा कि जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनालिटिकल. सो उसके बारे में जान लेते हैं. दिस इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. द रिसर्चर गोज बियॉन्ड मेयरली डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने के बाद बियॉन्ड उसको एक एनालाइज भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, हाउ एंड वाई का क्वेश्चन भी करता है कि वो समथिंग इज़ हैपनिंग, वाई समथिंग इज़ हैपनिंग एंड हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग, इसका क्वेश्चन करता है. और एनालिटिकल स्टडी में यही किया जाता है, हाउ एंड व्हाई का क्वेश्चन पुट किया जाता है. इसीलिए एक्सप्लेनेटरी को एनालिटिकल रिसर्च भी कहते हैं, बिकॉज इट अंडरस्टैंड द फिनोमिना बाय डिस्कवरिंग और मेजरिंग द कॉजुअल रिलेशनशिप अमंग देम. क्या किया जाता है यहाँ, डिस्कवर किया जाता है, राइट, एंड वी मेजरिंग द, मेजर किया जाता है व्हाट, कॉजुअल रिलेशनशिप को, राइट, कि क्या रिलेशनशिप रहा है. To explain the phenomena, that's why it is called the analytical research. In this research, researcher has to use the facts and information use करता है that is already available and analyze करता है उनको उनमें critical evaluation पे. So critical evaluation is called the analytical study. So question का answer यही है कि why it is called analytical study, तो उसका answer आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका answer ये है. अगर question किया जाए कि why it is called analytical study, आई होप दैट इज क्लियर. चलिए मूविंग ऑन. कॉजुअल वर्सेज कोरिलेशन, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव है कि वाई इट इज़ अ कॉजुअल रिसर्च एंड वाई इट इज़ कॉल्ड अ कोरिलेशनल स्टडी. इसमें क्यों बोली जाती है, बिकॉज कॉजुअल स्टडी होती है कि जहाँ रिसर्चर वॉन्ट्स टू डीलाइनेट द कॉज, जहाँ पे वो कॉज निकालता है. कॉजुअल से समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने सुना, हमने पढ़ा है कि एक्सप्लेनेटरी इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट. सो कॉजल रिलेशनशिप हो गया. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डज स्मोकिंग कॉज कैंसर, तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. नाउ कोरिलेशनल स्टडी की, इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिकॉज इफेक्ट्स के लिए हम एक्सपेरिमेंटल, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि एक होता है जो एक्सप्लेनेटरी होता है, दिस इज द पोस्ट फैक्टो रिसर्च,
है ना। पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम कॉजेज का पता लगाते हैं, एंड अनदर थिंग इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में हम उसके इफेक्ट्स का पता लगाते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स एंड ऑल। सो उसमें क्या होता है, अब फाइंडिंग अ कोरिलेशन डज नॉट प्रूव दैट वन वेरिएबल कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। सो उसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। दैट्स व्हाई एक्सप्लेनेटरी इज कॉल्ड कोरिलेशनल स्टडी ऑल्सो, बिकॉज देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अकेडमिक स्टडी एंड सेल्फ एस्टीम, बट इट कैन नॉट प्रूव दैट अ चेंज इन द फर्स्ट वेरिएबल कॉज द सेकेंड वन। तो मैंने आपको बताया कि ये फाइनल कंक्लूजन जो है इसका लैक पॉइंट है। यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन है आप उसमें लैक है। दिस स्टडी विल गिव यू ओनली द कॉज एंड इट्स इफेक्ट, राइट। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए मैं साथ साथ और स्टडीज़ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी इनके जो कॉन्सेप्ट है, माइनर डिफरेंसेस हैं, वो आपको क्लियर हो जाए, राइट। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव करता है डिस्क्राइब यू, राइट, इन ए मोर एक्सप्लोरेटरी वे इट, राइट। और यहाँ पे एनालिटिकल स्टडी में आता है इट एक्सप्लेन यू। एनालिटिकल मतलब एक्सप्लेनेटरी, राइट, एक्सप्लेन द फिनोमिना, इट इज़ अ एक्सप्लेनेटरी एंड दिस इज एक्सप्लोरेटरी। तो आप डिस्क्रिप्टिव को यू कैन से एक्सप्लोरेटरी समथिंग। सो बेसिक यहाँ डिफरेंस हम कर रहे हैं एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन। चलिए इट्स प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टू ए ग्रुप एंड एनालाइज वाई ग्रुप्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों है इसका पता लगाया जाता है। इट फोकस ऑन वॉट, इट फोकस ऑन वाई। सो वेरी कॉमन डिफरेंस, ये आपको क्या का आंसर देगा, वॉट, एंड ये आपको आंसर देगा क्योंकि दिस इज द एक्सप्लेनेटरी वाई। इट एज्यूम्स नो हाइपोथेसिस एंड इट एज्यूम एंड हाइपोथेसिस कैन बी देयर इज द की। डज नॉट रिक्वायर द कंपेरिजन बिटवीन द ग्रुप्स, इसमें कंपेरिजन की जरूरत नहीं होते बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, राइट। इट रिक्वायर्स द कंपेरिजन बिटवीन द ग्रुप्स ओवर टाइम, हम लोग इसमें कंपेरिजन करते हैं बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी आस्पेक्ट एंड इट इज़ एनालिटिकल स्टडी ऑल्सो। ट्राई टू मिनिमाइज द प्रीसाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स, को ट्राई किया जाता है मिनी टू मिनिमाइज करने के लिए, एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द पावर टू डिटेक्ट द डिफरेंस इफ दे एग्जिस्ट, बिकॉज दिस स्टडी इंक्लूड्स पोस्ट फैक्टो प्लस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के फीचर्स भी मिलेंगे कि जैसे जर्नलाइज द हाइपोथेसिस, कंपेयर द ग्रुप, ग्रुप्स के बीच में कंपेयर इन कंपैरिजन इन द वेरिएबल्स, मैक्सिमाइज द जो है पावर टू डिफेक्ट द डिफरेंसेस इफ दे एग्जिस्ट, अगर है तो उसको मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज जो है रिजल्ट निकालना। सो आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर नाउ, राइट। मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना सब कुछ पढ़ा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अमंग द मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी, इट अलाउज इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक, ऑल्थो इट डज नॉट ऑफर द कॉन्क्लूसिव रिजल्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इट डज नॉट ऑफर यू कॉन्क्लूजन, राइट। दस रिसर्चर क्या करता है, वाई दिस फिनोमिना अकर। सो की पॉइंट में लिख लीजिए नो कॉन्क्लूसिव रिजल्ट, ओनली इट विल गिव यू द सिनेरियो, इट विल गिव यू कि वाई दैट सिचुएशन हैपन, वाई इट इज अकर, राइट। चलिए इट यूजेस द सेकेंडरी रिसर्च एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी रिसर्च को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है, जैसे लिटरेचर है या कोई पब्लिश्ड आर्टिकल है, दैट आर केयरफुली चूजन। देखिए सेकेंडरी रिसर्च का मतलब यहाँ पे बोला गया है, एक होता है प्राइमरी, दैट मीन्स आप वो जो रिसर्च हुई है वो कभी नहीं हुई है, सो यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग दैट नेवर हैपेंड बिफोर, राइट। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च में होता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स है बट इनकम्प्लीट है या यू आर एडिंग समथिंग, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, इट्स केयरफुली चूजन टू हैव अ ब्रॉड एंड बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इट अलाउज द रिसर्चर टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड रिफाइन सब्सिक्वेंट रिसर्च क्वेश्चंस टू ऑगमेंट द स्टडीज कंक्लूजन। रिसर्चर क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कॉज वाई फिनोमिना अराइज ड्यूरिंग द रिसर्च एंड एंटिसिपेट द चेंजेस। यस की पॉइंट है, इट जस्ट एंटिसिपेट करता है किसको, चेंजेस को, जो उसमें चेंजेस करने हैं या उसमें होने चाहिए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अलाउ करता है टू रेप्लीकेट द स्टडीज टू गिव देम ग्रेटर डेप्थ,
दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी की पॉइंट कि इट्स मोटिव टू जस्ट द रेप्लीकेट करना विद एड ऑन, एडिंग समथिंग एड ऑन के साथ रेप्लीकेट करना, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द टाइप्स। अब किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, क्या मेथड है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। फर्स्ट आता है फोकस ग्रुप। हम कुछ ग्रुप लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, उन्हें साथ में लाते हैं, कुछ 8 से 12 लोग होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइज किया जाता है सेशन को टू इंटरव्यू देम और टू, मतलब हमारा एक फोकस ग्रुप होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट, सर्च आउट करते हैं, फैच आउट करते हैं। केस स्टडी की जाती है। विद दिस मेथड रिसर्चर्स कैन डील विद द केयरफुली सिलेक्टेड केसेस। कुछ केसेस को पिक किया जाता है दैट इज़ रेलिवेंट टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम। सो केस एनालिसिस होता है। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व करना कंपनीज को दैट हैव फेस द सेम इशू एंड डील करती है विद मोर एफिशिएंटली। दैट मीन्स उन केसेस को सर्च करना दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू आर रिसर्च प्रॉब्लम एंड व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट इश्यूज दे हैव फेस्ड ड्यूरिंग दैट रिसर्च, उनको सर्च करना ताकि हम वो गलतियाँ ना करें और हमारी रिसर्च फ्लुएंटली जो है चले। लिटरेचर, ये लिटरेचर रिसर्च होती है, इज अ फास्टेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मीन्स होता है डिटरमाइनिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द फिनोमिना। एंड कलेक्ट करना होता है इंफॉर्मेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिव्यू ऑफ लिटरेचर गिव्स यू अ वेरी कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट द आंसर योर रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। इट हेल्प्स यू इन सर्चिंग फॉर लिटरेचर ऑन द इंटरनेट एंड लाइब्रेरीज में यू कैन ईजिली फाइंड आउट, या एनी मैगजीन, न्यूज़पेपर, कमर्शियल एंड अकेडमिक आर्टिकल से आप वो लिटरेचर स्केच आउट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज द इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, जो आपकी सैम्पल्स हैं उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करना। दिस प्रोसेस गिव्स यू अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं अबाउट द टॉपिक एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन। The in-depth interview is used to take the advantage of that information offered by people and their experience, whether they are professionals within or outside the organization. It may be जो आपके सैम्पल हैं वो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिन्होंने उस रिसर्च प्रॉब्लम पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। दे माइट बी ऑडियंस जिन्होंने वो बुक पढ़ी है और उसके बारे में आपको रिस्पॉन्स कर रही है। तो इस तरीके से रिसर्च काफ़ी अच्छे एक फ्लुएंट एक रास्ते पे जाती है जब आपके पास सैम्पल इस तरीके से होता है। आप उनका इन डेप्थ इंटरव्यू लीजिए, फीडबैक रिव्यूज़ लेते लेते आपको जो है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। नाउ द लास्ट स्लाइड इज़ ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एवरी रिसर्च टाइप हैज़ डिसएडवांटेजेस, तो इसमें भी है, राइट। फर्स्ट इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट दैट, टू फेजेस होते हैं इसमें। द सेकेंड जो फेज होता है कैन बी डिज़ाइन बेस्ड ऑन वॉट इज लर्न्ड। सेकेंड फेज के बारे में बता रहे हैं कि जो पहली फर्स्ट जो फेज होता है, फर्स्ट फेज करिए, फर्स्ट फेज इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जो भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने वो कलेक्ट करते चले गए, आपने अपना फिल कर लिया है। एंड देन जो सेकेंड सर्च होती है वो डिज़ाइन की जाती है कि व्हाट इज़ लर्न फ्रॉम द इनिशियल फेज, हमने क्या जाना है, मतलब उसको एक सम अप करना। इंटरव्यू एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, इंटरव्यू में जो है एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर रिलेशनशिप अमंग द फिनोमिना, यहाँ पे जो है फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। डिसएडवांटेज भी है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मल्टी, मस्ट डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज जब हम पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसमें एक्सपर्ट प्लस जो हमारी ऑडियंस है या जो उस सिचुएशन के लाइफ जो है कह सकते हो आप फेस किया है जिन्होंने, तो वो ऑडियंस रखी जाती है, तो उसके लिए काफ़ी जो है हमें टाइम देना पड़ता है। नीड टू गेट परमिशन एंड कॉन्टैक्ट और रिसर्च पार्टिसिपेंट्स फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द डेटा कलेक्शन। तो हर किसी रिसर्च का है कि जब आप सेकेंड राउंड के लिए अपने सैम्पल को बुलाते हैं तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम आती है, जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बायस इंफॉर्मेशन दे सकता है ये रिसर्चर, जनरेट करता है काफ़ी बायस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सप्लेन है, यू आर एक्स, जब आप कोई एक्सप्लेन सब्जेक्टिव आंसर करता है तो उसमें काफ़ी बायसनेस आती है। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंपैरिजन में भी बताई है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी में। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माय साइड आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर, बट स्टिल इफ़ यू फील एनी पॉइंट इज़ लेफ्ट, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
गुड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. सो थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर कमिंग अप वीडियोज. और यहाँ पर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं फॉर UGC एग्ज़ाम के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.